Solapur, a city of Maharashtra, famous for its textile industry, handloom sector and beedi makers. It is the first city in India which has provided proper houses with amenities to the people working in the unorganized sectors. This has improved the health and standard of living of these workers and created a better future for their children. 1992 से हमने CITU के नेतृत्व में कोशिश किया था कि बीड़ी मजदूर के लिए कोई कॉलोनी बने और ये कॉलोनी बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हमने एक गोल्डन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखी और वो स्कीम थी कि बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये तीनों जो है अपना हिस्सा वन थर्ड डालेंगे। 60,000 में ये स्कीम बनी। माढ़ा के पास, जैसे कि माढ़ा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके पास हम लोग गए थे तो उन्होंने उस वक्त ये मकान हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देंगे लेकिन उसके लिए सरकार की ज़मीन रहेगी और हम लोग कंस्ट्रक्ट करके लेंगे, 1,10,000 रुपये उसकी कॉस्ट रहेगी, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर बाकी और दो चार बिल्डर के लोगों के पास हम लोग गए लेकिन यहाँ के एक पंधे, अनिल पंधे जो पंधे कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने जब इनके साथ मास्टर जी की साथ मुलाकात हो गई तो उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया क्योंकि उनके जो चाचा है कॉमरेड MK पंधे, उनकी वजह से उनके वो भी असर हुआ था कि इनके लोगों के लिए कुछ ना कुछ, गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो लेके वो जब ये 10,000 लोगों का एक साथ में मकान बनाना है, एक ही जगह पे वो होना है, ये जो दृष्टिकोण था और ये लोगों के लिए कम से कम अमाउंट में ये लोगों को मकान देना है, बहुत सारी चर्चा चली तो उसमें ये निकला कि लास्ट वैल्यू जी थी कि 60,000 में ये मकान देना है, जैसे उसमें 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 20,000 स्टेट गवर्नमेंट और 20,000 लाभार्थी का। इलेक्शन में हमारा पराभव हो गया, 3,500 वोट से हमारा पराभव हो गया, लेकिन कई ऐसे लोग थे वो बोले गिरने के बाद भी तुम लड़ो, हम जेल में आएंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन ये 10,000 मकान बनना चाहिए। 75% लोग जब हमारे साथ है तो लड़ना चाहिए, हमें लड़ते गए। उसमें वासुदेव आचार्य ये हमको बहुत बड़ा सहकार्य करे और ये स्कीम हमने स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से हमने भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उस वक्त तत्कालीन मजदूर मंत्री सत्यनारायण जेटिया थे, वो जेटिया बोल रहा है कोई 10,000 मकान बनाना क्या चेष्टा है क्या, पैसे खाने के वास्ते आए थे। उसके मुँह पर बोला CPM वाले कोई पैसे खाते नहीं, पैसे खाने वाले लोग अलग रहते हैं, हमारी वो औलाद ने लोगों के वास्ते जान कुर्बान करते हैं, पैसे खाने वाले लोग हमने। कि अपन एक लड़ा घरकुल के बारे में अपन करेंगे बोलकर, तो फिर हम उनसे लोगों से वहाँ पर जाकर लोगों से चर्चा करने लगे कि हमने पहले 25 रुपये लिया उनको सभासद बनाने के लिए। तकरीबन 5 साल हमने वो बना कर के उसकी यूनियन बना कर के हम, फिर उसके बाद में ना फिर हमारी 97-98 में ये फिर हमारा जोरदार हमारा संघर्ष चला। फिर ये कागदा पत्रा कुछ भी मालूम नहीं था ना ये कैसा बनाने का घर कैसे, फिर कॉमरेड शेख, कॉमरेड अडम मास्टर, ये सब हमारे पार्टी के लीडर वगैरह सब एक ही सोलापुर में मंत्री आया तो उसकी गाड़ी अड़े बिना हम चुपचाप नहीं बढ़ते थे। क्या हुआ हमारे घर कुल का सवाल गोदूता ही कैसा। 8 मार्च 2000 महिला दिन के नीचे अटल बिहारी वाजपेयी को घेराव किया, 15 मिनट घेराव चला। उसने बोला शरद जी क्या बात है इतने गर्म क्यों हुए, फिर शरद पवार ने सब बताया। बताने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बोले ऑफिस में, ऑफिस में गए, सत्यनारायण जेटिया को बुलाया, वो अपने पद से बताए क्या भी करो इनको 10,000 मकान का ऑर्डर दो। शरद पवार, सुशील कुमार, वासुदेव आचार्य तीनों बाहर आए,
अभी बोले अभी जाओ विमान पकड़ कर सोलापुर को, सोलापुर में जाकर पेड़े बांटो, लड्डू बांटो, फटाकड़े उड़ाओ। तो हमने आया, पेड़े बांटे, लड्डू बांटे, फटाकड़े उड़ाए, हजारों लोग ऑफिस के पास आए, अपना वाह 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 वाह, घर घर में चर्चा हो रहा है। 8 दिन के बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर रहने के बाद ऑर्डर देखे, वहाँ 1,000 दिख रहा है। अक्षरी बोले तो 10,000 होना ना, 1,000 है उसमें। फिर शरद पवार वासुदेव आचार्य को बताया, ऐसा कैसा? शरद पवार आया, वो लेटर लेकर आओ। क्या वो पूछा, नजर चूक से ऐसा हुआ क्या? फिर वो शरद पवार वासुदेव आचार्य, सुशील कुमार शिंदे, मनोज से अटल बिहारी वाजपेयी फंस गया, देखो तुम्हारा आदमी कैसा है। उस वक्त वो बहुत ही गुस्से का है मिनिस्टर पर, 10,000 का ऑर्डर देकर ही तुम भेज दो। फिर उस वक्त हमने श्रम भवन में बैठे थे, 2 घंटे के बाद 10,000 के ऑर्डर आ गई, सोलापुर में काम शुरू हुआ। तो ये हिसाब से अनिल पंडे जी ने उनका खुद का खेत था, वहाँ पे एक 4 मॉडल बना दिया था कि अलग अलग टाइप के 4 मॉडल बना दिए थे, उसमें ये लोगों ने वहाँ पे जाके सब विजिट किया। वहाँ पे विजिट होने के बाद वो 4 मॉडल में एक मॉडल लोगों ने एक सिलेक्ट कर दिया, वो सिलेक्ट मॉडल के हिसाब से पूरा वही थीम लेके पूरे 10,000 के 10,000 मकान वहाँ पे बना दिए गए। टोटल एरिया जो है इस मकान का, एक के मकान का, वो है 255 स्क्वायर फीट, और टोटल एरिया जो है प्लॉट एरिया वो है 555 स्क्वायर फीट। तो ये देखते हुए कि एक फैमिली ठीक से इसमें रह सकती है, और ये सभी वर्कर, इसकी पहले की जो इनकी लिविंग कंडीशन थी वो स्लम एरिया में रहते थे, एक का जो है टोटल स्पेस जो इनका टीन शेड में ऑक्यूपाई था वो था 4x8 या 8x8, इस तरह का वो स्क्वायर फीट एरिया था जिससे हमने इनको निकाला। कोशिश हमारी ये रही कि स्लम में जितना भी हम एमिनिटीज़ दें वो डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने इनको कोशिश की है कि इनका छत ये इनको मिले, ये इस मकान के ऊपर भी अपना घर बना सकते हैं और एक फैमिली ऊपर सेट हो सकती है। इनको जो ओपन स्पेस दिया हुआ है वो टोटल 300 स्क्वायर फीट है, जिसमें भी ये लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कुछ मकान के बाजू में कर लिया गया है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें लोगों को हजार्डस कंडीशन से बाहर लाना और इनको एक अच्छी लाइफ देने का काम यहाँ पर हमने किया है। पहले शास्त्री नगर उंटी, శాస్త్రి నగర్లో బిడ్డలు చేస్తుంటే చిన్న జోపడపట్టిలో ఉంటే ఇల్లంతా వానకాలం వస్తే అంత గారుతుండే, కూర్చొని జాగుండకుండే, వాన వస్తే ఊకలు ఇల్లు ఎత్తిపోసుకుంటూనే ఉంటుంటే ఏమైనా ఆడమ్మస్తారు. పుణ్యంతో మాకు గరుకులు దొరికింది, మాకు గరుకులు దొరికినందుకు ఇల్లు వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందం ఉన్నది. వచ్చేసింది ఆడ కడవలు కడవలు మోసుకొని పోతుంటాం శాస్త్రి నగర్లో, ఒక టైం వచ్చి ఒక టైం నీళ్ళు రాకుండే, గిలాస్తో నీళ్ళు పట్టుకొని మోసుకుంటుంటాం గుంతల దిగి. ఇక్కడికి వచ్చేసింది మాస్టర్ పుణ్యంతో మాకు నీళ్ళు భరపూరు వస్తాయి, నీళ్ళది ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నుంచి పైపులు పెట్టినామంటే అవధులు నిండుతాయి, ఇంట్లో కడవలు నిండుతాయి. హెల్త్ పని చాలా తెలుసు వ్యవస్థిత ఇక్కడ తోడో పరిస్థితి హెల్త్ తోడో చాలా ఈ తాళ్యాపాసన తోడో వ్యవస్థిత తెలుసు హెల్త్. యహా పర్ ఏక్ మెడికల్ కాలేజ్ అశ్విని कोऑपरेटिव मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर अश्विनी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल और अश्विनी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यहाँ पर चलता है, यहाँ से बिल्कुल करीब है, बिल्कुल इस बस्ती को जॉइंट है। वहाँ पर हमने उनसे ऐसी बात की है, हमारे यहाँ के जितने भी पेशेंट जाएंगे अगर ये इमरजेंसी है तो उसको फ्री इमरजेंसी ट्रीट की जाए, और अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनकी कैपेसिटी देखते हुए उनको चार्ज किया जाए। कई बार हम लोग फ्री ट्रीटमेंट कराने के लिए जब रिकमेंड करते हैं तो वो लोग इसको एग्री करते हैं, मान लेते हैं, और वो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सिर्फ हमारे बेस पर, हमारे बस्ती में रहने वाले ये जो लोग हैं इन्हीं बेस पर चलता है, इसलिए उनका राइट भी है और हमारा भी राइट है। गवर्नमेंट जो है हर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को, ये डायरेक्शंस है गवर्नमेंट के,
10% वो लोग वेलफेयर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक के लिए हमने वहाँ पे पंदे कंस्ट्रक्शन ने लगभग 5 एकड़ जमीन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तब महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थी, उनको 5 एकड़ जमीन ऐसे फ्री में दी। वहाँ पे वो 5 एकड़ में उन्होंने पूरा एक सबस्टेशन खड़ा कर दिया और लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड सरकार ने वहाँ पे कर दी। लाइट लो मंची उठाई इड़ा లైట్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు, లైట్లు కూడా మంచిగా టైం సీరోస్ అయ్యి పైలా బా బిల్ లైన్కు నిలబడి కట్టేది ఉండే, ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు వాడు వచ్చి కట్ చేసి పోతుండే. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇంటి వెనకనే ఉన్నది ఆఫీస్ ఉన్నది, ఆఫీస్ కాడ పోయి కడతాం, ఆఫీస్లో లైన్ పెట్టినామంటే ఆయన్నే కట్టి వస్తాం గంతనే. తో హమ్నే షురూ మే యే కియా కే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ SMT సోలాపూర్ మున్సిపల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్కో హమ్నే బోలా కే యహాన్ పర్ బసెస్ షురూ కరే. సోలాపూర్ మున్సిపల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి హాలత్ బహుత్ హీ బురీ హై. सिर्फ यहाँ हमने उसको कस्टमर दिया, पैसेंजर दिया, इसलिए वो कुछ साल तक फिर जिंदा रख पाए, मतलब उनको भी बेनिफिट हो गया और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का हुआ. हमने मिनिमम चार्ज उसको रखने के लिए बोला, 7 रुपये उन्होंने शुरू में रखा था. आज भी अगर किसी को सिटी में जाने का है, यहाँ के किसी भी पॉइंट से आप अगर जाते हैं SMT से, तो 10 रुपये से ज़्यादा उसको फेयर चार्ज नहीं किया जाएगा. अगोदर मी राहिला सूट मिलला होतो, मग आता इथं घरकुलमध्ये राहिला आलोय आणि इथं आल्यापासून आम्हाला व्यवस्थितच आहे. अगोदर राहतं घर गळतं होतं आणि इथं आता चांगलं व्यवस्थित आहे आमचं राहायला आणि लेकरांचं शिक्षण पण चांगलं येतं आता सध्या आमचं. स्कूल एक जरूरत है, शिक्षा जो है हम चाहते हैं कि ये बच्चे सब यहाँ पर जब आएंगे वहाँ से माइग्रेट होके, तो इन लोगों के लिए शिक्षा का सवाल था. हम CI2 एक बहुत ही कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहते तो हमारे प्राइवेट स्कूल शुरू कर सकते थे. हमने बोला ये नहीं चलेगा. हमने यहाँ के जिला परिषद इनको बोला कि आप अपने स्कूल शुरू करें. 6 स्कूल इमीडिएट यहाँ पर शुरू किया गया, जिसके लिए जगह हमने फ्री में दी. उन्होंने इमीडिएट कंस्ट्रक्ट किया उसको और वहाँ पर स्कूल शुरू है. 6 बड़े स्कूल प्राइमरी लेवल के यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 5 हाई स्कूल चलते हैं ये टोटल एरिया में, यहाँ तक कि जूनियर कॉलेज तक की सब पढ़ाई यहाँ पर की जाती है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से हमने वहाँ पे पूरी लगभग 10 करोड़ रुपए उस टाइम पे खर्चा आया था. वहाँ पे पाइपलाइन, पूरा पाइपलाइन सोलापुर के यहाँ लगभग 9-9.5 किलोमीटर से वो पाइपलाइन लेके वहाँ पे अंडरग्राउंड एक टंकी बना दिया, उसके ऊपर बाद में ऊपर वाले जो टंकी है जिसको हम ESR बोलते हैं, वैसे 5 लाख लीटर और 10 लाख लीटर के ऐसे 2 टंकी बना दिया. वहाँ से हर घर के लिए इंडिविजुअल हर घर के लिए हमने पानी की फैसिलिटी दे दी थी. ये पानी की फैसिलिटी हर घर में एक ऊपर टंकी रखी, वहाँ पे वो टंकी में जाएगा और पूरा घर में भी उसका एक अलग का कनेक्शन दे दिया था. और सीवेज के लिए हमने वहाँ पे एक लिचपिट बना दिया. वो लिचपिट में वो जब सीवेज का टोटल भर जाएगा, लगभग 2 साल में एक बार वो भर जाता है, तो सोसाइटी ने उसके लिए एक प्रोविज़न किया है. लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में ही उसने एक हमने एक ट्रैक्टर को वो सीवेज निकालने का एक मशीन लगाया और वो निकाल के हम लोग खेत के लिए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, वो तरीके से भी बेच सकते हैं. बीडी इंडस्ट्री को हमने लाया यहाँ अमेनिटीज़ में. सेंट्रल गवर्नमेंट से जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के हाथों इसको हैंडओवर किया गया सब हाउसेस को, उस वक्त उन्होंने कुछ वर्कशेड 20 वर्कशेड यहाँ पर उन्होंने सेंक्शन किए थे. हम देख सकते हैं ये पूरे बस्ती में 20 वर्कशेड वो बनाए गए हैं. ये वर्कशेड में बीडी इंडस्ट्री को मिनिमम रेंट पर हमने जगह अवेलेबल करके दी. बीडी इंडस्ट्री यहाँ पर आके उनको काम देती है और यहाँ से बीडी कलेक्ट करती है. दूसरा है पावरलूम सेक्टर. इस बस्ती के आसपास सभी पावरलूम के इंडस्ट्री ऑटोमेटिक ट्रांसफर माइग्रेट होके आई और यहाँ पर इनको जाने के लिए अभी बाहर जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पर टोटल कमर्शियल अमेनिटीज़ हमने दी है. कमर्शियल बेस पर बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, वो यहाँ आए हैं और जो यूजुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है. आप रात में अगर देखोगे इसका जो मेन रोड है जिसे हम लोग क्रांति चौक या लाल चौक बोलते हैं, वहाँ पर आप अगर जाओगे तो आपको सब्जी मार्केट भरा हुआ मिलेगा रात में 10 बजे तक. पूरे देश में अपना फार्मूला गया, सबसे पहले 10,000 मकान बने, उसके बाद मीनाक्षी के 5,000 मकान का ऑर्डर आया,
अभी 30,000 मकान पंतप्रधान आवास योजना के नीचे जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सीटू ने इस तरह से करामत किया है, 45,000 मकान बनाने वाले सीटू हिंदुस्तान में एक मेव है। ये हमने बीड़ी के वास्ते 15,000 लगाया, लेकिन ये 30,000 में 42 टाइप के ये वर्कर है, अनऑर्गेनाइज बोलो तो असंगठित वर्कर है। अभी ये 26 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ है, काम चालू है, 4 साल में हो जाएगा। एक ऐसी सिटी बनेगी पूरे मजदूरों की सिटी, कहा भी नहीं, कोई भी कारखानदार नहीं, कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई श्रीमंत आदमी नहीं, सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग रहेंगे और दुनिया में इसका नाम हो जाएगा। और ये सीटू और लाल झंडा का ये अपना जो आंदोलन का परिणाम है।